आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं कि आपका हॉस्पिटल कहाँ है, वहाँ किस तरह का इलाज हो जाता है, कितना समय लगता है। ऐसे काफ़ी सारे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, FAQs। तो उसका एक वीडियो बना के लोगों को दे दूँ, इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया हुआ है और आपके सामने मौजूद हूँ। तो हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ जब पेशेंट आते रहते हैं अकोला में रामदास पेट में क्लिनिक में, तो आते से उनको रिसेप्शन में हम उनको लेते हैं, वहाँ उनका नाम वगैरह पूरा लिख लेते हैं और वो वहाँ नाम लिखने में उनका नंबर लगता है, उनको एक स्लिप दी जाती है कि आपका नंबर अप्रॉक्सीमेटली कब लगेगा। तो उनको मालूम रहता है कि अपना नंबर भाई आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद नंबर लगेगा। यदि उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ली होंगी तो फिर वो समय पर उनको भेजा जाता है डॉक्टर केळकर की तरफ, मतलब मेरे तरफ। यहाँ हमारे यहाँ मेरा लड़का भी है, वो डॉक्टर अमोल केळकर है, वो भी साइकियाट्रिस्ट है, वो MD है, वो भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करता है। राधिका केळकर है, मेरी बहू है, मतलब अमोल की मिसेज, वो भी प्रैक्टिस करती रहती है, हमारे साथ में है। तो उसको जहाँ भी जाना है हमारे तीनों में से किसके भी तरफ, तो उसको वहाँ भेजा जाता है, जिसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके तरफ उसको भेजा जाता है और वहाँ फिर उसको उसका फिर काउंसिलिंग, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह होता है। मगर जब वो रिसेप्शन में आता है, अपना नाम दर्ज करता है, तो उसको ये फाइल दी जाती है। और ये जो फाइल है, ये फाइल जैसे हमारे हॉस्पिटल की फाइल है, जिसमें हमारा नाम वगैरह लिखा है, हम तीनों लोग हैं, फिर पेशेंट का नाम, पता उसका, उसकी उम्र कितनी है, दिनांक क्या है, और हमने इसके ऊपर भी लिखा है कि भाई सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए हम खड़े हैं, ये हमारा पर्पज़ है, लाइक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल एंड एडिक्शन फ्री इंडिया। फिर ये पेशेंट जब बैठता है, समझो टाइम है उसको, तो ये उसको पढ़ने के लिए भी काफ़ी हमने मटेरियल इसमें दिया हुआ है। जैसा कि इसके लिए इसमें हमने लिखा है कि भाई मानसिक बीमारी जो है उसके कौन से लक्षण हैं, वो हमने दिए हुए। और फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि नींद नहीं आना, भूख या स्नान करने की इच्छा नहीं होना, फिर हमने इसमें लिखा है कि भाई अकेला बैठना या किससे बात नहीं करना, खुद के साथ अपने आप बड़बड़ करना या बात करना, लोगों के ऊपर शक करना, खुद दुखी रहना या बार बार रोना आना, खुद से खुद हंसना, फिर मरने का डर, भाई हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊँगा ऐसा डर, फिर खुदकुशी की कोशिश करना या खुदकुशी के बारे में विचार आना, बिना वजह गुस्सा बहुत आना और मारपीट चालू करना लोगों को, कुछ भी छोटा सा कारण होगा तो मारपीट चालू करना, फिर चीज़ों की तोड़फोड़ करना या हाथ पैर जो है उसको थरथराहट आना या बहुत पसीना आना, जी घबराना, फिर दिमाग में अलग 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 विचार आना, बार बार विचार आना, लोग अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग अपने बारे में बोल रहे हैं ऐसा लगना, फिर बेहोशी के झटके आना या दांत खिली बैठ जाना, भुलक्कड़पना की बीमारी, याददाश्त नहीं रहती, सर दर्द करना या आंखों में दर्द, दिमाग में ऐसी तिड़क जैसे दर्द होना है ना, वो दिमाग में ऐसा लाइटनिंग पेन होना, एकदम झटका आना और पेन हो जाना, फिर याददाश्त जो है वो पुरानी याददाश्त अच्छी रहती है, अभी नज़दीकी याददाश्त जो कल परसों की वो कम हो जाना, फिर दारू शराब, फिर गांजा, ब्राउन शुगर, चरस, सिगरेट स्मोकर मतलब टोबैको, ऐसे सब इसकी जो नशा है, इसकी लत जो है वो लत लगना, फिर मैं जो कर रहा हूँ वो हर बात जो है वो गलत है ऐसा लगना, मतलब जो भी कृति मैं कर रहा हूँ वो गलत है ऐसा लगना, फिर बहुत ज़्यादा फिक्र करना, चिंता करना, फिक्र करना, एकाग्रता नहीं होना, दिमाग में है ना अलग अलग बहुत बड़े बड़े ख्याल आना, बहुत बड़े बड़े ख्याल आते, फिर ऐसा कुछ तो भी आभास हो जाना कि कुछ तो भी आ रहा, कोई तो भी मेरे पीछे है ऐसा लगना, छोटी छोटी बात के ऊपर तनाव आना, बोलने के समय कन्फ्यूजन, गुंग रहना, बातचीत नहीं करना, दिमाग के विचार एकदम चले गए, दिमाग एकदम एम्प्टी हो गया, वैकेंट हो गया ऐसा लगना, फिर लैंगिक समस्या जो है, सेक्स समस्या है, नपुंसकत्व है, लिंग में कठोरता नहीं आना, इच्छा नहीं होना, मास्टरबेशन का एडिक्शन है, फिर ये जो है बीमारी कि भाई हाथ पैर में बहुत कमजोरी आना और बड़े बड़े ऐसे गोले हाथ पैर में ऐसा लगना, पेट के विकार, एसिडिटी, गैस होना, जलन होना, पेट फूलना, फिर कान में आवाज़ सुनाई आना, कोई भी नहीं हो तो भी कान में आवाज़ सुनाई आ रहे, तो ऐसे अलग 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 उपचार पद्धति ये बीमारियों के हमारे पास में है। तो ये अलग अलग लक्षण, ये फाइल हम देते हैं लोगों को, फिर वो पढ़ते वगैरह है, उनको भी ऐसा लगता है कि भाई उसके ऊपर वो टिक मार्क करते रहते हैं कि भाई मुझे कोई बीमारी है तो उसके ऊपर टिक मार्क करके वो आते हैं हमारे पास में। फिर इसमें के ऊपर हमने ये भी देख दिया है कि हमारे पास में कौन सी उपचार पद्धति है,
जैसे हमारे पास में सम्मोहन उपचार है हिप्नोटिज्म, फिर ईईजी के माध्यम से हम उसका मतलब कोई टेस्ट, ईईजी की जो टेस्ट है वो करते हैं ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो, कोई ऐसा शक आता है तो, जैसा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई शराब के लिए, शराब की लत है उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, उसको जो जरूरत रहती है एवर्शन थेरेपी तो वो उसको देते हैं। लैंगिक समस्या उसके लिए डॉपलर की टेस्ट, फिर वैक्यूम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी टेस्ट, या फिर पेपेवेरिन का इंजेक्शन देके उसकी टेस्ट, तो वो भी हम टेस्ट सेक्स बीमारी के लिए करते हैं। फिर बच्चों के लिए काउंसलिंग पेरेंट्स का हमारे यहाँ होता है, आईक्यू टेस्टिंग या एमक्यू टेस्टिंग मतलब स्मृति परीक्षण होता है, फिर साइकोथेरेपी और मनोविश्लेषण लाइक साइको एनालिसिस होता है, बायोफीडबैक उपचार हम करते हैं। फिर हमारे यहाँ एक सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी है कि जहाँ हम सुसाइड नहीं होने के लिए क्या मतलब वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, वो भी हमारे यहाँ है। फिर बिहेवियर थेरेपी है, हेडेक क्लिनिक हम स्पेशल चलाते हैं, दर्द सिर दर्द के लिए स्पेशल क्लिनिक है, एपिलेप्सी क्लिनिक हमारे यहाँ है स्पेशल फिट के लोगों के लिए एपिलेप्सी क्लिनिक है। फिर शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक समस्या जो रहती है उसके लिए मार्गदर्शन और क्लिनिक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT है। फिर हमारे यहाँ ब्रेन फीडबैक है, ब्रेन फीडबैक का वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, RTMS का है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, वो भी हमारे यहाँ है। तो ऐसे अलग अलग हमने ये फाइल के ऊपर सब दिया हुआ है कि भाई हमारे यहाँ कौन सी बीमारियाँ हैं और उसका कौन सा उपचार हमारे यहाँ किया जाता है। फिर हम लोगों को क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पूरा ऐसा एक शीट है, हिस्ट्री शीट, उसमें पूरी पेशेंट की जानकारी हम ले लेते हैं पूरा A to Z की, शुरुआत कैसे हुई बीमारी की, अभी क्या पोजीशन है, काम पे जा रहा कि नहीं जा रहा है, काम पे जाना बंद किया है क्या, कोई आभास हो रहा है, कैसे पूरी हिस्ट्री उनको उनकी हम लिख लेते हैं यहाँ। और पूरी हिस्ट्री लिख के फिर उनका कोई टेस्ट करवाना है तो टेस्ट करवाते हैं, जो भी हमको उनको मार्गदर्शन करना है मार्गदर्शन करते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं। जब हम पेशेंट बैठते हैं तो हमने हमारे यहाँ एक और एक ये फाइल में हमने और एक ऐसा लीफलेट दिया हुआ है, हैंडआउट है, कि जिसमें पूरी बीमारियों का मतलब संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है कि बीमारी क्या होती है, उसका वर्णन क्या लक्षण है, ताकि लोग ये पढ़ते हैं तो उनको और एक क्लियर हो जाता है कि भाई अपने को बीमारी कौन सी है और स्पेसिफिकली डॉक्टर के पास में हमने क्या बोलना चाहिए। तो ये जो है ये पूरा उसके हैंडआउट हम उसको देते हैं और वो पूरा उसको मार्गदर्शन करके उसको ट्रीटमेंट देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, दवाई कब खाना चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन उसका होता है और फिर पेशेंट हमारे यहाँ निकल जाता है। यदि पेशेंट को दाखिल करने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में तो उसको हम वो एडवाइस देते कि भाई हम दाखिल को, हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम पेशेंट को रिलेटिव्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, वहाँ रिश्तेदार हमारे साथ में मतलब पेशेंट में रहते हैं, यहाँ हम उनके साथ में इलाज करते हैं उनका। और दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ हम बिना रिलेटिव्स का इलाज करते हैं, बिना रिश्तेदारों का इलाज करते हैं, वहाँ पेशेंट को रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा इलाज होता है, 7-8 दिन एवरेज पेशेंट का स्टे होता है, विदाउट रिलेटिव्स है तो 1 महीना भर रहता है पेशेंट, स्पेशली उनको अकोला के बाहर 4 किलोमीटर दूर, या हमने स्पेशली ऐसा एक जगह बनाई हुई है कि जहाँ पेशेंट खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, TV देखते हैं, उनको खेलने के लिए अलग कमरा है, फिर मेडिटेशन के लिए हॉल है, हिप्नोसिस के लिए उनको किया जाता है, फिर उनको डांस थेरेपी देते हैं, अलग अलग उनका इलाज वहाँ होता है और 1 महीने के बाद में पेशेंट घर पे चले जाता है। तो इस तरह हमारा जो हॉस्पिटल है और उसकी जो जानकारी है पेशेंट आने के बाद में पेशेंट अंत तक, वो मैंने आपको दिया। आपको और कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम आपका आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।